नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कानपुर शहर के कई डॉक्टर कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जहां दिन रात एक कर मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ डॉक्टर और नर्सेज होम को कानपुर की जनता ने उनके लालच और लापरवाही के कारण कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी क्रम में फॉर्च्यून अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। पनकी निवासी महेश ने आरोप लगाया है कि पैसे के लालच में अस्पताल लोगों की जान ले रहा है। फॉर्च्यून अस्पताल लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में ले जा रहा है। यहां के डॉक्टर पैसे के लालच में जल्लाद बने हुए हैं। महेश ने सांस लेने की समस्या से पीड़ित अपने पिता को फॉर्च्यून नर्सिंग होम में एक दिन पहले ही भर्ती कराया था। वहां पर उनसे तुरंत 1,00,000 रुपए जमा कराने को कहा गया था। महेश ने अपने पास रखे 50,000 रुपए जमा करा दिए और बाकी के 50,000 रुपए आज जमा कराने को कहा। महेश का आरोप है कि उनके पिता का इलाज किसी भी डॉक्टर ने नहीं शुरू किया, नर्सिंग होम की नर्सों ने अपनी तरफ से उपचार शुरू कर दिया था। आज सुबह महेश के पिता की हालत में काफी सुधार होने के कारण डिस्चार्ज होने की भी बात शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद फॉर्च्यून अस्पताल की नर्सों ने बताया कि अचानक आपके पिता की हालत गंभीर है। उन्होंने महेश को अपने पिता को देखने तक नहीं दिया। कुछ ही देर में महेश के पिता का निधन हो गया। फॉर्च्यून अस्पताल की इस लापरवाही से महेश का बुरा हाल है। उनके साथ आए हुए परिजनों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई है। अस्पताल के बाहर महेश और उनके परिजन कार्रवाई की मांग में अड़े हुए हैं। हमें नहीं जीना है। आपके साथ मैं यहाँ हंस के लाया था अपने पिताजी को। कहाँ पे? कार्टून में। क्या हुआ? मैं नॉर्मल लाया था, ऑक्सीजन थोड़ी सी कम थी। जब मैं उनको लेके आया इमरजेंसी में तो उनकी ऑक्सीजन लग गई, नॉर्मल हो गया, 90 के ऊपर ऑक्सीजन हो गई। रात भर मैं यहाँ रहा, बोलता बतियाता रहा उनसे और इन लोगों से पूछा तो सब नॉर्मल है। मैंने कहा सिटी स्कैन हुआ तो उसकी मुझे रिपोर्ट दिखा दो, मैं अपने डॉक्टर से दिखा लूँ, वो डॉक्टर आएगा तब होगा काम, बाहर निकलो। डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है? डॉक्टर था ही नहीं, केवल नर्सों का खेल चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है। कितने इलाज कर रही है? पैसे लिए अभी तक? पैसे 50,000, 1,00,000 मांग रहे थे। उस समय मैं 50 लेके आया था, मैंने 50 लो, सुबह मैं 50 और दूंगा, वो भी मैं डाल के लाया था। 1,00,000 मांग रहे थे और रात भर हंसते बोलते रहे, बात होती रही। सुबह भी उनकी अच्छी बात हुई और खाना सुबह मांगा उन्होंने, मैंने खाना खिलाया। उसके बाद भैया के पास फोन गया कि रिचार्ज करा लो, मैं ठीक हूँ। अब 8:30 बजे बात हुई है और 10 मिनट बाद इन लोगों ने क्या खेल खेलना शुरू किया कि वो पापा तुम्हारे वो हटा रहे मास, इसलिए उनको मैं ऑक्सीजन से शिफ्ट कर रही हूं। तो मैंने कहा दिखा दो, मैं शायद उनसे एडजस्ट कर लूं, तो देखने अंदर घुसने नहीं दिया। कानपुर से खबर समय जगत के लिए मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।